हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू माय चैनल लव स्कूल लीगल इश्यूज। आई एम एडवोकेट वनिता। आई एम प्रेजेंटिंग हियर टुडे विद अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस। जो ज्यूरिसप्रूडेंस की हमारी लास्ट क्लास थी, उस क्लास में हमने सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस को स्टार्ट किया था। उस क्लास में मैंने मॉन्टेस्क्यू की थ्योरी आपको समझा दी थी। ऑगस्ट कांटे, जो सोशियोलॉजी के जो है जनक माने जाते हैं, उनके बारे में मैंने आपको डिटेल में डिस्कशन दे दिया। रुडोल्फ बॉन हियरिंग की सोशल इंटरेस्ट थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया। उसके बाद योगन एयरलिक के बारे में भी मैंने आपको काफ़ी कुछ डिस्कशन किया। और आई होप आपने वो लेक्चर देखा होगा। अगर आपने मेरा वो लास्ट वीडियो नहीं देखा तो आज वाला कंसेप्ट क्लियर करने के लिए पहले आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा, क्योंकि वही तो बेस है सोशियोलॉजिकल स्कूल का। और आज वाले में थोड़ा सा हम आगे डिस्कशन करेंगे। आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो रोस्को पाउंड की थ्योरी पर बेस्ड होगा। रोस्को पाउंड और लियोन डगिट जो हैं, दो ऐसे जुरिस्ट हैं जो अभी रह गए हैं, और इंडियन परस्पेक्टिव में सोशियोलॉजिकल स्कूल को हम कैसे लेके आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर देखते हैं कि अगर रोस्को पाउंड की थ्योरी में ही काफ़ी लेंथी लेक्चर हो जाता है तो मुझे एक एक्स्ट्रा लेक्चर और बनाना पड़ेगा। अदरवाइज मेरी आज की कोशिश रहेगी कि मैं आज जो है सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस को कवर कर दूँ, और नेक्स्ट क्लास में हम फिलोसफी स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, जो एक ही दिन की क्लास है, उसको डिस्कस कर लेंगे। उससे नेक्स्ट क्लास में रियलिस्टिक स्कूल को डिस्कशन कर लेंगे। तो चलो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस को हमने लास्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस किया था। लेट्स रिवाइज द प्रीवियस लेक्चर। इंट्रोडक्शन में हमने ये कहा था कि जो भी ग्रेविटी है किसी भी लो की, वो डिपेंड करता है पूरे तरह से सोसाइटी पर। जो सोसाइटी में जैसा सिस्टम होगा वैसा ही लो प्रिवेल करेगा। जैसे सती प्रथा का एग्जांपल मैंने लिया था। सती प्रथा का एग्जांपल इसलिए लिया था क्योंकि पुराने टाइम में क्या होता था कि जो सोसाइटी के हिसाब से अगर लो बनाया जाता तो उस टाइम सती प्रथा को रिमूव नहीं किया जाता। लेकिन कहीं ना कहीं लो जो है वो सोसाइटी से थोड़ा ऊपर उठ के बनता है, तो इसीलिए सती प्रथा में को जो है वो पूरी तरह से अबोलिश कर दिया गया और उसके लिए एक्ट भी लाया गया। और जो सोसाइटी होती है वो पूरी तरह से, जो सोसाइटी की स्टडी, उसको सोशियोलॉजी द्वारा स्टडी किया जाता है। तो जैसे जैसे सोसाइटी में ज़रूरत रहेगी, रिक्वायरमेंट रहेगी, उसी तरीके से जो है लो को बनाया जा सकता है। तो इस तरीके से आप कह सकते हो कि जो लो है वो सोसाइटी के हिसाब से ही तैयार किया जाता है। सोसाइटी एक ऐसा साधन है जो ये बताता है कि जब भी कोई लॉ तैयार किया जाए तो उसे सोसाइटी में एक बार देखा जरूर जाए। तभी तो जो लॉ कमीशंस की रिपोर्ट होती है, सर्वे होते हैं, रिसर्चेज होती हैं, वो इसीलिए होती है कि जब भी किसी लॉ में अमेंडमेंट किया जाता है, कोई नया जो लॉ लाया जाता है, उसके लिए सोसाइटी की जो कंडीशन है उसको ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए सोसाइटी लॉ बनाने के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर लेजिस फेयर का एग्जांपल हमने डिस्कस किया था कि जो ओरिजिन हुआ था सोशियोलॉजिकल स्कूल का, वो कहीं ना कहीं लेजिस फेयर की वजह से हुआ था। लेजिस फेयर वो पॉलिसी थी जिसमें लोगों के जो इंडिविजुअल जो लेन देन था आर्थिक तौर पर, उसके अंदर सरकार का ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं होता था, हस्तक्षेप नहीं होता था। इसीलिए जो लेजिस फेयर है उसको रिमूव करने का प्रयास किया गया और एक ऐसा लॉ लाया गया जो सोसाइटी से थोड़ा सा हटके हो। और वो सोसाइटी में जो लेजिस फेयर का जो टर्म था वो यही थी कि अगर आप लॉ बना रहे हो तो उस लॉ में सरकार सिर्फ उतना ही हस्तक्षेप करेगी जब कोई किसी प्रकार का फ्रॉड वगैरह होता हो। अगर किसी प्रकार की चोरी, डकैती, फ्रॉड का कोई मामला ना हो तो उसमें गवर्नमेंट का, स्टेट का, सोवरनिटी का और लॉ का किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो धीरे धीरे ये लेजिस फेयर की जो कंडीशंस थी वो ज़्यादा वाइड होने लगी, ज़्यादा वर्स्ट होने लगी, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक लेन देन के बीच में किसी प्रकार का सरकार का रोल नहीं था। तो इस प्रकार से सोवरनिटी का रोल नहीं होने की वजह से उनसे कोई किसी प्रकार की इनकम गेन नहीं होती थी। जैसे मौजूदा टाइम में हमारे देश में इनकम टैक्स एक्ट है, लैंड रिवेन्यू कलेक्ट होता है या वेल्थ टैक्स वगैरह जो कुछ भी है, अगर वो नहीं लिया जाए तो क्या हम देश की सुरक्षा के लिए या देश को चलाने के लिए, जो आप ये मान के चलो कि जो सेना पर जो रुपया खर्च होता है या जो MP MLA जो है उनको जो फंड्स मिलते हैं, उनको सैलरी मिलती है, वो नहीं मिल पाएगी और देश को ढंग से चलाया नहीं जाएगा। इसलिए लेजिस फेयर जो है यही सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस के आने का कारण बना। इसके मैंने एक्सपोनेंट्स आपको बताए थे सोशियोलॉजिकल स्कूल। कल जो है जो लास्ट लेक्चर था उसमें मिस्टेक से एक्सपोनेंट्स ऑफ हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस लिखा हुआ था, उसे आप इग्नोर कीजिए। सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस के 6 मैंने आपको जुरिस्ट बताए थे। फर्स्ट मॉन्टेस्क्यू थे, फिर ऑगस्ट कांटे, रुडोल्फ बॉन हियरिंग, योगन एलेरिक और रोस्को पाउंड और लियोन डगिट। हमने पहले 4 जो अच्छे से डिस्कस कर लिए थे। मॉन्टेस्क्यू की जो बुक थी द स्पिरिट ऑफ लॉ, वो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है।
मॉन्टेस्क्यू जो एक ऐसे पहले जूरिस्ट माने गए हैं सर हेनरी मैन के हिसाब से, जिन्होंने सोशियोलॉजिकल मेथड को बढ़ावा दिया, हिस्टोरिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को बढ़ावा दिया, और नेचुरल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में भी मॉन्टेस्क्यू ने कहीं ना कहीं अपनी रोल को निभाया है। ऑगस्ट कॉम्टे जो है सोशियोलॉजी के जनक माने जाते हैं। द स्टडी ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड सोशियोलॉजी, जो सोसाइटी की जो स्टडी होती है उसको सोशियोलॉजी बोला जाता है। तो इस तरीके से मॉन्टेस्क्यू के बाद जो ऑगस्ट कॉम्टे हैं उनको सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस को बढ़ावा देने में काफ़ी इनका इंपॉर्टेंट रोल माना जाता है। कॉम्टे के बाद डार्विन हुए, हर्बर्ट स्पेंसर हुए, बेंथम हुए, और कहीं ना कहीं जो सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है या ऑगस्ट कॉम्टे हैं वो बेंथम के जो यूटिलिटेरियनिज्म जो थ्योरी थी उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि जो थ्योरी ऑफ यूटिलिटी जो था उसके अंदर पेन और प्लेजर का डिस्कशन था कि सोसाइटी में दुख और सुख, पेन और प्लेजर जो है वो एक साथ चलते हैं और उन्हीं के बेस पे लोगों का निर्माण होना चाहिए। उसके बाद रुडोल्फ वॉन हेयरिंग जो है उनको ये उन्होंने ये माना कि लॉ जो है उनकी किताब थी लॉ एज ए मीन टू एंड, उनमें उन्होंने ये कंक्लूजन दिया कि जब तक मनुष्य की इच्छाओं को नहीं समझा जाएगा कोई भी लॉ सोसाइटी में अच्छे से ग्रो नहीं कर सकता, उसको आप लागू नहीं करवा सकते। तो सोसाइटी में किसी लॉ को लागू करवाने के लिए मनुष्य की विल जरूरी है, लेकिन इस थ्योरी को जो है काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया। हालांकि इन्होंने सोशल इंटरेस्ट थ्योरी भी दी थी, उसमें यह था कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट, स्टेट के इंटरेस्ट और सोसाइटी के इंटरेस्ट तीनों को मिलाकर ही कोई लॉ का निर्माण किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो थ्योरी है उसको क्रिटिसिज्म किया गया। और इनका जो क्रिटिसिज्म किया गया था वो इस बेस पर किया गया था कि इन्होंने जो प्रॉब्लम्स तो बता दी कि सोसाइटी में ये प्रॉब्लम्स है, लेकिन उनका सोल्यूशन नहीं बताया। इन्होंने प्रिंसिपल और रिवार्ड को बता दिया, प्रिंसिपल ऑफ कोर्जन को बता दिया, ड्यूटी और लव को बता दिया, बट उसको कैसे एनफोर्स करेंगे, कैसे आप लागू करवाएंगे वो इयरिंग ने नहीं बताया। तो कहीं ना कहीं विल और पर्पस जो है आपस में कोरिलेट नहीं हो रहे थे, इस वजह से इनकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया। आप एग्जाम्पल ही ले लीजिए, सती प्रथा का एग्जाम्पल था, उसमें लोगों की विल थी कि सती प्रथा चलनी चाहिए, लेकिन पर्पस ये था लॉ बनाने का कि सती प्रथा जैसी कुप्रथा को हमें रिमूव करना है, इस इविल को सोसाइटी से हटाना है, तभी ये सोसाइटी ग्रो कर सकती है। तो ये दोनों कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी है, विल और पर्पस दोनों कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करते हैं। तो इस बेस पे आप कह सकते हो कि ये थ्योरी जो है पूरी तरह से सही नहीं थी। फिर यूगन ईयरली क्या, उन्होंने यही बात कही कि लॉ जो है वो लेजिस्लेशन में नहीं है बल्कि सोसाइटी में है। ईयरिंग ने यही बात कही, ईयरिंग के बाद ईयरलिक ने ये बात कही कि जो लॉ आप बनाते हो, जो कानून बनता है वो जुडिशियल जजमेंट से नहीं बनता बल्कि सोसाइटी के हिसाब से होना चाहिए। तो इन्होंने ये बात कही। और आज हम करेंगे द मोस्ट प्रोमिनेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जूरिस्ट रोस्को पाउंड। रोस्को पाउंड जो तो अमेरिकन जूरिस्ट थे और उन्हें जो है अमेरिकन सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का फादर माना जाता है, जैसे बेंथम को एनालिटिकल स्कूल का, पॉजिटिव स्कूल का फादर माना जाता है, उसी तरह से इन्हें सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस का फादर माना जाता है। उनकी जो रीडिंग्स थी, उनकी जो बुक्स वगैरह थी, वो ये बताते कि जो कॉमन लॉ होता है वो कहीं ना कहीं लॉ और मॉरल पे बेस है। सोसाइटी में जो पुरानी हिस्ट्री चलती आई है उस हिस्ट्री को अगर आप इंटरप्रेट करते हो, उसकी अगर आप समीक्षा करते हो, तो ही कोई अच्छा सा लॉ निकल के आता है। उसके बाद पाउंड ने कुछ हिस्सा तो ईयरली के सोशियोलॉजी का लिया और कुछ हिस्सा जो है ईयरिंग के सोशल इंटरेस्ट थ्योरी का लिया, और इन सभी को मिलाकर उन्होंने अपनी एक नई थ्योरी डेवलप कर दी थी जो लोगों के इंडिविजुअल इंटरेस्ट के साथ कहीं ना कहीं कन्फ्लिक्ट राइज कर रही है। कन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद अराइज कर रही है। अकॉर्डिंग टू पाउंड के अनुसार जो लॉ है वो जो है सिर्फ इसीलिए नहीं बनाया जाता कि अपने फ़ायदे के लिए, ऑन सेक का मतलब अपने फ़ायदे के लिए नहीं बनाया जाता, बल्कि ह्यूमन नीड्स, मनुष्य की ज़रूरतें, उनकी आवश्यकताएं और उनकी रुचियां और उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बना हुआ होना चाहिए। जो पाउंड का जो अप्रोच था, पाउंड की जो अप्रोच का मतलब जो उन्होंने व्याख्या की थी, वो व्याख्या कहीं ना कहीं अपोज थी, किसके खिलाफ थी, ज़्यादातर ये एनालिटिकल स्कूल और फिलोसफिकल जो जूरिस्ट हुए थे उनके अगेंस्ट था, इनके व्यूज़ जो थे उनके खिलाफ थे। पाउंड के अनुसार जो लॉ है वो बिना किसी पर्पज़ के नहीं हो सकता और उसमें कहीं ना कहीं मेंटल एक्सरसाइज, मनुष्य की विल होना ज़रूरी है, जो ईयरिंग ने भी कहा था इंडिविजुअल विल की बात, वही बात इन्होंने भी उठाई है। कहीं ना कहीं मैंने आपको ऊपर बताया ये कि इन्होंने ईयरली का भी कंसेप्ट उठाया था कि सोसाइटी से ही लॉ डेवलप होता है, लेजिस्लेशन और जुडिशल डिसीजन से नहीं होता, और इन्होंने कहीं ना कहीं ईयरिंग का कंसेप्ट उठाया था जो सोशल इंटरेस्ट थ्योरी थी। तो इस बेस पर ये दोनों को मिला जुला कर अपना एक कंसेप्ट लेके आए और एनालिटिकल और फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की बिल्कुल अपोजिट थे। हालांकि इन्होंने ईयरली के और उनकी स्टडी को तो लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको अपनी क्लैरिटी के हिसाब से उन्होंने नहीं रखा,
क्लैरिटी का मतलब अपने जो तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने उनके पूरे के पूरे जो थ्योरी थी उसको अपने अकॉर्डिंग नहीं माना और उन्होंने थोड़ा सा अलग बताया। सबसे पहली बात उन्होंने कही लॉ एंड सोशल इंटरेस्ट, हालांकि जो पाउंड थे वो जो पूरी तरह से राइट और ड्यूटीज़ के पक्ष में नहीं थे। इन्होंने ना तो कभी व्यक्तिगत अधिकारों की बात कही है और ना ही व्यक्तिगत कर्तव्यों की बात कही है। तो यानी कि राइट और ड्यूटीज़ जो हम कोरिलेट मानते हैं कि एक व्यक्ति का राइट जो है कहीं ना कहीं उसकी ड्यूटी भी साथ में उसके साथ जुड़ी ही होती है, लेकिन रॉस्को पाउंड ने इस चीज़ को बिल्कुल अपोजिट समझा। उन्होंने ये माना कि राइट्स और ड्यूटी कभी एक साथ नहीं हो सकते, तो ये तथ्य उनका अलग था। उन्होंने हालांकि राइट और ड्यूटी को एक साथ तो नहीं माना, लेकिन उन्होंने ये भी माना कि जो राइट्स और ड्यूटी हैं वो कहीं ना कहीं रिलेट तो करती हैं। कहाँ रिलेट करती हैं? सामाजिक ज़रूरतों में, सामाजिक आवश्यकताओं में। और किसी प्रकार का जब कोई क्लेम करता है, जब किसी प्रकार का कोई अपनी डिमांड करता है अधिकारों की और उन अधिकारों को पूरा करने की जब बात करता है, तब उन्होंने अपने राइट का यहाँ पर डिस्कशन किया, ड्यूटीज़ का डिस्कशन किया। उन्होंने ये बात मानी कि जो सोसाइटी होता है, जो सोशियोलॉजिकल जुरिस्ट है मोस्टली, वो सारे इस बात को मानते हैं कि जो सोसाइटी है कहीं ना कहीं लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से ही डेवलप होती है। जैसे जैसे समाज में, सोसाइटी में लोगों की ज़रूरतें बढ़ती जाएंगी, उसी तरीके से वहाँ पर बदलाव करना भी ज़रूरी हो जाता है। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं सोशल इंटरेस्ट और लॉ जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यही बात जो है अदर जुरिस्ट जो थे सोशियोलॉजिकल स्कूल के इयरलिक जो थे उन्होंने भी यही बात कही और इयरिंग ने भी अपनी सोशल इंटरेस्ट थ्योरी में यही बात कही। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि रॉस्को पाउंड उन्हीं से ही प्रभावित थे और उसी के हिसाब से उन्होंने अपनी थ्योरीज को डेवलप किया। हालांकि लॉ जो है वो कई बार अपने व्यक्तिगत अधिकारों की बातें करता है, व्यक्तिगत रुचियों की बातें करता है, सामाजिक और पब्लिक, पब्लिक का मतलब है पूरी की पूरी सोसाइटी के ऊपर उनके अधिकारों का डिपेंडेंट होता है। ये माना गया है कि जब उनके अधिकारों की बात होती है तभी लॉ में बदलाव किया जाता है और लॉ का बदलाव जो है उन अधिकारों की पूर्ति के लिए ही होना चाहिए। यही बात जो है रॉस्को पाउंड ने कही है। अगर रॉस्को पाउंड की अगर इस हिसाब से इन इंटरेस्ट की बात मानी जाए तो उन इंटरेस्ट में उन्होंने कुछ लिमिट्स भी डिसाइड की कि लोगों की जो सोच है, लोगों की जो विषय वस्तु है, इनकी जिस विषय पर आप लॉ बना रहे हो वो लॉ कहीं ना कहीं प्राइमेसी मुख्य होना चाहिए और आवश्यक भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने ऐसे ही कोई उठा दिया और लॉ बना दिया और उस लॉ की हमें कोई ज़रूरत भी नहीं थी। अगर ऐसा कोई लॉ बनेगा तो वो सोसाइटी में ज़्यादा समय तक ग्रो नहीं कर पाएगा। तो रॉस्को पाउंड के अनुसार लॉ ऐसा होना चाहिए जो सोसाइटी की ज़रूरत भी होनी चाहिए और सोसाइटी के लिए फ़ायदा भी होना चाहिए। बिना ज़रूरत और फ़ायदे के लिए जब लॉ बनेगा तो वो लॉ जो है सोसाइटी में प्रिवेल नहीं कर पाएगा। तो कह रहे हैं कि उन्होंने ये बात कही कि ऑल द इंटरेस्ट आर टू बी एडजस्टेड, सारे के सारे जो इंटरेस्ट है, सारे के सारे जो फ़ायदे हैं या जो रुचियाँ हैं वो सारी जुड़ी हुई होती हैं। और जो ज़्यादा से ज़्यादा संतुष्टि की बात करता है, जब कोई लॉ बनता है तो वो आम नागरिक की संतुष्टि के लिए होना चाहिए, आम नागरिक की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होना चाहिए। तो रॉस्को पाउंड ने जो इयरिंग थे उन्होंने सोशल इंटरेस्ट थ्योरी को दिया, रॉस्को पाउंड ने लॉ और इंटरेस्ट को साथ में जोड़ दिया और उनको आगे भी तीन भागों में बांट दिया। इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात कही, पब्लिक इंटरेस्ट की बात कही और सोसाइटी की इंटरेस्ट की बात कही। इनकी जो पहली जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट थी, इंडिविजुअल इंटरेस्ट में किसी भी व्यक्ति के राइट्स हैं, डिमांड्स हैं, उनकी इच्छाएं हैं, वो सारी चीज़ें शामिल होती हैं। और पब्लिक इंटरेस्ट में क्या शामिल होता है? जब पूरी पब्लिक के लिए राजनीतिक विषय वस्तु के हिसाब से कोई कार्रवाई की जाती है, कोई स्टैट्यूट लाया जाता है, कोई लॉ जाता है, वो शामिल होता है। और सोशल इंटरेस्ट में वो डिमांड्स होती है, वो आवश्यकताएँ होती हैं जो उस समाज को चलाने के लिए ज़रूरी हैं। तो कहीं ना कहीं पाउंड ने इनको आगे अलग अलग भागों में डिवाइड करके उस चीज़ को एक्सप्लेन किया है कि सोसाइटी में लॉ का क्या इंपॉर्टेंस है और लॉ को सोसाइटी के हिसाब से कैसे लागू करवाना है। सबसे पहला इंडिविजुअल इंटरेस्ट में पर्सनैलिटी की बात कही। यहाँ जब पर्सनैलिटी की बात होती है तो उस व्यक्ति के फिजिकल अपीयरेंस की बात होती है। किसी पर्टिकुलर व्यक्ति इंडिविजुअल इंटरेस्ट में किसी एक व्यक्ति की बात हो रही है, प्रति व्यक्ति की बात हो रही है, उसमें उसकी पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी में क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं कि जब आप लॉ बनाओगे तो उस व्यक्ति के फिजिकल पर्सनैलिटी के हिसाब से होना चाहिए। फिजिकल अपीयरेंस क्या है, उसकी बनावट क्या है, उसका हाव भाव क्या है, उसकी फ्रीडम ऑफ विल, उसकी कैसी इच्छाएं हैं, उनकी इच्छाओं की आज़ादी, जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन हमारे फंडामेंटल राइट है, तो उस प्रकार का लॉ हो गया। फिर उस व्यक्ति की पर्सनैलिटी में ऑनर और रेपुटेशन की बात आ जाती है। ऑनर उसका सम्मान है, उसकी सोसाइटी में एक इज्जत है, इसके लिए डेफेमेशन जैसा लॉ आया।
फिर प्राइवेसी की बात आ जाती है, और हमारे आर्टिकल 21 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो प्राइवेसी की बात करता है। बिलीफ और ओपिनियन, लोगों के जो विश्वास है और लोगों के जो विचार हैं, जो राय हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जो हैं पर्सनैलिटी में आ जाती हैं, जो हमारे कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल जो फ्रीडम्स हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए हैं, वहाँ पर इनको वर्णन किया गया है। फिर उन्होंने सेकंड बात कही डोमेस्टिक रिलेशनशिप, ये डोमेस्टिक रिलेशनशिप किस बेस पे होने चाहिए। डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू रिलेशनशिप संबंध, घरेलू संबंध में क्या क्या चीज़ें आएंगी आप खुद ही सोचिए। जब घरेलू बात, घरेलू संबंधों की बात आती है तो उसमें क्या होता है, हमारा फैमिली रिलेशन होता है, माता पिता होते हैं, भाई बहन होते हैं, भतीजा भतीजी होते हैं, चाचा ताऊ होते हैं। फिर मैरिज का रिलेशन होता है, मैरिज का मतलब जब हमने किसी से शादी कर ली, उस एक रिश्ते में हम बंध गए। फिर डाइवोर्स का रिलेशन भी फैमिली रिलेशन से आता है, डोमेस्टिक रिलेशनशिप में काउंट होता है। तो जो डाइवोर्स से रिलेटेड है, जो हिंदू लॉ वगैरह हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं डोमेस्टिक रिलेशन है, जो रोस्को पाउंड की थ्योरी में है। फिर इंटरेस्ट ऑफ सब्सटेंस, इंटरेस्ट ऑफ सब्सटेंस के अंदर क्या आ जाएगा कि कौन सी चीज़ें हमसे जुड़ी हुई हैं, सब्सटेंस क्या है, जैसे प्रॉपर्टी का मैटर आ गया, या हम कोई कहीं पर इंडस्ट्री स्थापित कर रहे हैं, या कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं बिजनेस के पर्पस से, जिससे हमारा जीवन जो है चल सके, हमारी जो आजीविका है वो कमाई का साधन है वो चल सके, वो सारी चीज़ें जो है इंटरेस्ट ऑफ सब्सटेंस से आएंगी। उसके बाद जब उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट की बात की, तो पब्लिक इंटरेस्ट में ये बात कही कि इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एज ए ज्यूरिस्टिक पर्सन, जो स्टेट का इंटरेस्ट है, स्टेट को फ़ायदा जो है वो एक ज्यूरिस्टिक पर्सन के हिसाब से है। ज्यूरिस्टिक पर्सन का आप मतलब लेके चलोगे कि जैसे देश की इंटीग्रिटी की बात आ रही है, जो अखंडता की बात आ रही है, फ्रीडम की बात आ रही है, देश की एक सम्मान की बात आ रही है, देश के अधिकारों की बात आ रही है, जैसे सेडिशन का जो केस दर्ज होता है देशद्रोह का, वो सारा का सारा जो है इसमें शामिल हो जाता है। फिर कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑफ स्टेट एज ए गार्डियन ऑफ सोशल इंटरेस्ट, जो किसी भी राज्य, किसी भी देश का जो इंटरेस्ट होता है, जो फ़ायदा होता है, वो देशवासियों की भलाई में ही होता है। जब तक देशवासियों की भलाई के बारे में नहीं सोचा जाएगा, कोई भी फ्रीडम, कोई भी इंटरेस्ट जो है वो समाज को नई दिशा में नहीं लेके जा सकता। मौजूदा टाइम में कोरोना का इशू बढ़ा हुआ है, अब सोसाइटी में क्या है, कोरोना को रोकने की कोशिश होनी चाहिए, उसके लिए सरकार को कदम उठाने चाहिए। लेकिन क्या कर रही है सरकार, उन कदमों को न उठाने के बजाय कभी तो संसद बनाने के लिए कोई बिल पास कर रही है, कभी कहीं पर कुछ और तरह के फंड्स कलेक्ट कर रही है, और जैसे अब पीएम केयर्स का जो फंड कलेक्ट किया गया, लेकिन आरटीआई में उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। तो इस प्रकार से फंड्स कलेक्ट कर रही है, फाइंस कलेक्ट कर रही है, और आम व्यक्ति है जो रोज़गार में थे या जॉब में थे उनको निकाला जा रहा है। तो क्या ये सोसाइटी के इंटरेस्ट है, क्या वो सोसाइटी के इंटरेस्ट को गार्जियन कर रही है, नहीं कर रही। तो वही चीज़ बताई गई है कि जब पब्लिक इंटरेस्ट की बात आएगी, तो जो स्टेट है उसको एक रखवाले के तौर पर अपने उस देश के हितों को ध्यान में रखना पड़ेगा, सोसाइटी के नीड्स को ध्यान में रखना पड़ेगा, सोसाइटी की ज़रूरतों को ध्यान में रखना पड़ेगा, आम नागरिक को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट का ध्यान में रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो है सोसाइटी के नीड है, जो एक स्टेट का राइट बनता है, स्टेट की ड्यूटी बनती है कि अगर स्टेट लोगों से इनकम टैक्स कलेक्ट कर रहा है, टैक्सेस कलेक्ट कर रहा है, जीएसटी कलेक्ट कर रहा है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बन जाती है कि वो लोगों के, देश के, समाज के हितों का भी ध्यान रखे। तो यही बात जो है रोस्को पाउंड की थ्योरी में थी, जो आज मौजूदा टाइम में भी हमारे कानून में अप्लीकेबल होती है। फिर बात आती है सोशल इंटरेस्ट की, कि सोशल इंटरेस्ट कौन कौन से आप मानोगे, कि कौन से समाज के लोगों के भलाई के काम है। सबसे पहला है जनरल सिक्योरिटी। जनरल सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जनरल सिक्योरिटी में आता है कि हमारे देश के अंदर जो सैनिक है, जो बाहर से हमारे देश को सिक्योरिटी दे रहे हैं। फिर बात आती है इंटरनल सिक्योरिटी, जैसे हेल्थ का इशू है, जो देश के अंदर, समाज के अंदर आप एक स्वास्थ्य का ध्यान रखो लोगों का। कोरोना के काल में काफ़ी हद तक हेल्थ के ट्रीटमेंट्स किए जा रहे हैं, जो एक अच्छी हम बात कह सकते हैं हमारी गवर्नमेंट की। फिर बात आती है कि हेल्थ के साथ साथ पीस एंड ऑर्डर, समाज में शांति बनाए रखना, और एक ऑर्डर, ऑर्डर लॉ एंड ऑर्डर का मतलब है कानून व्यवस्था लागू हो, और वहाँ पर जो लोग किसी प्रकार का लेन देन कर रहे हैं, जो ट्रांजेक्शन्स हो रही है, उसकी भी सिक्योरिटी उन्हें मिलनी चाहिए, लोगों की प्रॉपर्टी की सुरक्षा मिलनी चाहिए। दिस इज़ फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ जनरल सिक्योरिटी की कैटेगरी में ये फॉल करता है। फिर बात है सोशल इंटरेस्ट इन द सिक्योरिटी ऑफ सोशल इंटरेस्ट। अब सोशल इंटरेस्ट की सिक्योरिटी की बात हो रही है, जैसे कि डोमेस्टिक रिलेशन और घरेलू संबंध हो गए, जैसे हमने मैरिज की बात की थी, या रिलीजियस इंस्टीट्यूशन हो गए, जैसे मंदिरों की बात है, कोरोना के टाइम में मंदिरों को नहीं खोला जा रहा, ये क्या कर रहा है, सिक्योरिटी की बात कर रहा है।
फिर बात है पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो सिक्योरिटी है, जैसे राजनीतिक तौर पर जो जगह जगह इलेक्शन होने थे उनका पोस्टपोन किया गया, या इकोनॉमिक सिक्योरिटी है, जैसे ये आप बैंकों में मानोगे जो अब मॉरिटोरियम का सिस्टम लाया गया कि जिन्होंने लोन लिया उनके किस्त को मॉरिटोरियम कर दिया गया है कुछ टाइम के लिए, उनको माफ़ कर दिया गया, तो वो चीज़ क्या है, सिक्योरिटी की बात कर रही है। फिर जनरल मॉरल्स में क्या क्या आएगा, जैसे लोग शराब पीते हैं, मॉरल्टी की बात हो रही है, शराब है, गैम्बलिंग है, जुआ खेलना, बैगिंग, भीख मांगना, या कोई ऑब्सीन लिटरेचर है, ऑब्सीन अश्लील कोई आप ग्रंथों और अश्लील जो किताबों को बेच रहा है, अश्लील मूवी दिखा रहा है, अश्लील वीडियो क्लिप वायरल हो रही है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, जनरल मॉरल के ऊपर है जो हमारे देश में लॉ बने हुए हैं। फिर कंजर्वेशन ऑफ सोशल रिसोर्सेज, जो भी हमारे देश में सामाजिक तौर पर जो संसाधन है उनको कंजर्व करना, उनको संभाल के रखना, क्या क्या संसाधन है हमारे देश में, जैसे फॉरेस्ट हैं, जंगलों को काटने से बचाना, ऑयल को बचाना, वाटर का प्रजर्वेशन करना, इलेक्ट्रिसिटी का प्रजर्वेशन करना, इनके साथ साथ उन चीज़ों का भी बचाव करना, जैसे गरीब बच्चे हैं, या मान लो कोई पागल हैं, या कोई दिवालिया निकल गए हैं, या जो हैं ऐसे बच्चों के द्वारा क्राइम किए जा रहे हैं, उन सभी को संभालने का भी प्रयास इसके अंदर किया जाता है। सोशल इंटरेस्ट इज जनरल प्रोग्रेस, जनरल प्रोग्रेस में मतलब आम व्यक्ति जब अपना विकास करना चाह रहा है, जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसका, फ्रीडम ऑफ यूज ऑफ प्रॉपर्टी है, और फ्री में स्पेस जो प्रेस के द्वारा जो प्रेस को जो राइट्स दिए गए हैं, ये सारे के सारे राइट्स जो हैं जनरल प्रोग्रेस में आ गए हैं, जैसे एसोसिएशंस बन गई है, यूनियन बन गई, ये सारी जनरल प्रोग्रेस की कैटेगरी में फॉल कर जाते हैं। फिर है सोशल इंटरेस्ट इन इंडिविजुअल लाइफ, इंडिविजुअल लाइफ में व्यक्तिगत जीवन में किस प्रकार से सामाजिक इंटरेस्ट को आप मानोगे, जैसे व्यक्तिगत जीवन में क्या है, किसी की मेंटल एबिलिटी की बात आ रही है, समाज में अगर आज कोई मेंटल हो गया है, पागल हो गया, अगर वो समाज में घूमेगा तो वो लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस चीज़ के बचाव की बात कर रही है। लोगों को आजीविका के साधन मिलने चाहिए, मिनिमम वेजेस मिलने चाहिए, वो सारी चीज़ें क्या है, समाज के अंदर जुड़ी हुई है। तो ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको रोस्को पाउंड ने अपने सोशल इंटरेस्ट थ्योरी में काफ़ी अच्छे से डेवलप किया। रोस्को पाउंड ने फिर व्यक्तियों के जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट है उनको भी मान्यता दी, ग्रुप इंटरेस्ट को भी मान्यता दी, उन्होंने अलग अलग तरीके के साधन बनाने की बात कही, मशीनरी बनाने की बात कही, जिससे कि लोगों की जो इंटरेस्ट है, लोगों के जो फ़ायदे हैं वो एक दूसरे से कन्फ्लिक्ट ना हो, उनमें किसी प्रकार की द्वेष भावना ना हो, उसमें किसी प्रकार का विरोधाभास ना हो। फिर कह रहा है कि इट इज़ द टास्क ऑफ द लॉयर्स जजेस एंड लॉ एडमिनिस्ट्रेशन टू वेट इंटरेस्ट, की ये तो ड्यूटी बनती है वकीलों की, ये तो ड्यूटी बनती है जजेस की, ये ड्यूटी हर एक उस अधिकारी की बनती है जो प्रशासनिक अथॉरिटी है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए जिनको अपॉइंट किया गया था, ये उनकी अधिकारियों की ड्यूटी बनती है कि वो सभी के इंटरेस्ट को, सभी के फ़ायदों को ध्यान में रखे और समाज में लॉ को लागू करवाए। लॉयर्स और जजेस जो है सामाजिक इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं लागू करवाने में अहम रोल निभाते हैं, इसलिए लॉयर्स और जजेस को इसमें सबसे ज़्यादा इंक्लूड किया गया है। फिर सेकंड थ्योरी जो दी थी वो थ्योरी ऑफ जस्टिस थी, उन्होंने ये बात कही रोस्को पाउंड ने कि जब आप कोई लॉ बना देते हो तो वो लॉ ऐसे होने चाहिए कि वो लोगों को जस्टिस प्रोवाइड करे, सामाजिक ज़रूरतों को पूरा करे और समाज के लोगों को न्याय प्रदान करे। फिर उन्होंने ये बात कही कि जो कंसेप्ट है जस्टिस का, सामाजिक न्याय का, वो कहीं ना कहीं उसकी बार बार स्टडी होनी चाहिए कि किस प्रकार उसमें बदलाव किया जा सके। हालांकि एग्जाम्पल के तौर पे पौंड ने ये चीज़ मानी कि जो वीकर सेक्शन है, जो कमज़ोर वर्ग है, उनको सोशल स्टेबिलिटी दी जाए, सामाजिक तौर पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए मौके दिए जाएं, इकोनॉमिक सिक्योरिटी दी जाए, उन्हें आर्थिक तौर पर मदद दी जाए, जनरल वेलफेयर और उनका कहीं ना कहीं हित किया जाए, ये सारी चीज़ें थ्योरी ऑफ जस्टिस के अंदर फॉलो करी हैं। फिर जो कई अलग अलग जो एक्ट हैं, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट आ गए, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, सोशल इंश्योरेंस सिक्योरिटी है, ये सोशल सिक्योरिटी है, या लिविंग के वेजेस है, जो वेजेस प्रोवाइड करवाना, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है, ये कुछ सामाजिक जो है गोल है, सामाजिक लक्ष्य हैं जो टाइम टू टाइम स्टेट को पूरा करना चाहिए। और इन एंड्स को, इन अचीव एंड्स का मतलब है कि अगर इन सभी चीज़ को आप प्राप्त करना चाहते हो तो आप किस तरीके से इनको प्राप्त कर सकते हो, कौन इनको जो बताई है थ्योरी ऑफ जस्टिस बताया है, जस्टिस को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए पहले ही रोस्को पाउंड ने बता दिया था कि जो लॉयर्स और जस्टिस जजेस जो हैं उनकी ड्यूटी है कि वो जो है लोगों को प्रोटेक्ट करे और लोगों को, सोसाइटी को न्याय प्रदान करे। तो ये थ्योरी ऑफ जस्टिस का कंसेप्ट है। फिर बात आती है सोशल इंजीनियरिंग की।
अब इंजीनियर क्या है, टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ वर्ड है, तो कह रहा है कि लॉ इज़ नॉट सो मच ए सोशल साइंस, लॉ जो है सोशल साइंस से बहुत ज़्यादा है, सॉरी बहुत ज़्यादा नहीं है, टेक्नोलॉजी के तौर पर इसे हमें सामाजिक समस्याओं में लागू करना चाहिए। कि जैसे जैसे हम इंजीनियरिंग की बात करते हैं, जब कई अलग अलग तरह के इन्वेंशंस होते हैं, डिस्कवरीज होती हैं, तो वो सारी चीज़ें जब हम डिस्कवर करते हैं, जैसे कोरोना की वैक्सीन अलग अलग प्रकार के लोगों पर अप्लाई की जा रही है कि उनका ट्रीटमेंट करेंगे तो क्या वो पॉसिबल होगा, क्या वो फ़ायदेमंद होगी, तो वह सारी चीज़ें बताई गई है कि किस तरीके से जो है आप उनको प्रैक्टिकली लेके चलें, जिससे कि समाज के अंदर एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग को बढ़ावा मिले। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मतलब है कि कुछ प्रैक्टिकल गेन किया जा सके, सोसाइटी में उसको लागू करवाया जा सके। तो लॉ जो है वो उसकी सबसे पहला मकसद होना चाहिए कि लोगों के जो राइट्स हैं, सॉवरनिटी है, उन सभी के प्रति एक जागरूकता लेके आए, एक अटेंशन लेके आए, उसके प्रति सभी का ध्यान जाना चाहिए कि लॉ को कैसे लागू किया जाना है। तो ये थी सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी कि जो कुछ भी लॉ है उसको प्रैक्टिकली आप अप्लाई करके देखोगे क्या वो लागू किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। फिर बात आती है जुराल पोस्टुलेट्स, सॉरी जुराल पोस्टुलेट्स का मतलब होता है लीगल रीजनिंग, किसी के प्रति एक तथ्य को रखना कि कौन से राइट्स और कौन से कर्तव्य अलग अलग समय पर किस प्रकार से हम सोसाइटी में लागू करवा सकते हैं, एक सभ्य समाज में जो राइट और जो लाइबिलिटीज हैं, जो अधिकार और कर्तव्य हैं, उनको एक समन्वय कैसे स्थापित कर सके, वो सब कुछ है जुराल पोस्टुलेट्स। रोस्को पाउंड्स ने 5 तरह के जुराल पोस्टुलेट्स की बात कही है। पहला है क्रिमिनल। क्रिमिनल में आप कैसे मानोगे कि जब किसी ने कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर दी उसके रिगार्डिंग जो प्रोटेक्शन मिली है वो क्या होगी, तो जैसे कि जोल्ट का एग्जांपल ले लो, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट और बैटरी का एग्जांपल ले लो। फिर लॉ ऑफ पेटेंट, जो पेटेंट राइट्स है उन पेटेंट राइट्स में कैसे हम लोगों के अधिकारों को सिक्योर कर सकते हैं, जैसे एग्रीकल्चरल लैंड है या किसी का म्यूजिक है, कॉपीराइट वगैरह है, पेटेंट एक्ट वगैरह है, वो सारा कुछ इंक्लूड हो जाएगा। यानी कि जुराल पोस्टुलेट्स को आप ये मान के चलिए राइट्स और लाइबिलिटीज़ की बात कर रहा है, राइट्स और ऑब्लिगेशंस की बात कर रहा है। तो 5 तरह के राइट्स और ऑब्लिगेशंस बताए हैं रोस्को पाउंड ने। फर्स्ट है क्रिमिनल, सेकंड है लॉ ऑफ पेटेंट, थर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के रिगार्डिंग कि जब कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक व्यक्ति उनमें से ब्रीच कर देता है तो दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी करवा सकता है, एज वेल एज वो कंपनसेशन डिमांड कर सकता है और एज वेल एज डैमेजेस भी डिमांड कर सकता है। फिर इन्होंने बात की टॉर्ट्स में। टॉर्ट्स में आप अपनी प्रोटेक्शन ले सकते होगी, किस प्रकार से वहाँ पर डैमेजेस आप क्लेम कर सकते हो, डेफेमेशन का केस हो गया या मेलिशियस प्रोसिक्यूशन का केस हो गया, असॉल्ट का केस हो गया, बैटरी का केस हो गया, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं, न्यूसेंस का केस हो गया। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की बात की गई है कि अगर कोई व्यक्ति उसमें इन्वॉल्व नहीं भी है फिर भी उसकी लायबिलिटी बन जाती है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी हमने किया था। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कि किसी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इन्वॉल्वमेंट मतलब उसकी कोई इंटेंशन नहीं थी, मेंसरिया नहीं था, तब भी उसकी वहाँ पर लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। रैलेंड और फ्लेचर का जो लैंडमार्क केस है टॉर्ट में वो इसके रिगार्डिंग है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो उन्होंने बात की, यानी कि 5 तरह के जुराल पोस्टुलेट्स की बात की है। फर्स्ट है क्रिमिनल, सेकंड है पेटेंट की बात करी गई है, थर्ड के अंदर बात करी गई है कॉन्ट्रैक्ट की, फोर्थ में टॉर्ट्स की और फिफ्थ में स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की। मैंने आईपीसी के लेक्चर में आपको स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी को बड़ा डिटेल में करवाया है कि जो एब्सोल्यूट लायबिलिटी होता है उसमें एक्टस रियस का एक्सेप्शन है कि जब आपने कोई एक्ट नहीं किया फिर भी आपने आपको जो लायबल ठहराया जाता है दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट लायबिलिटी। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का मतलब है कि जब आपका कोई इंटेंशन नहीं था, कोई नॉलेज नहीं थी, कोई मोटिव नहीं था, कुछ भी नहीं था, तो आपने जो है उसके लिए लायबल आपको ठहराया जाता है, तो वो जो आपकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है। उपहार सिनेमा केस है दिल्ली का, वो इसके रिगार्डिंग लैंडमार्क केस है। फिर उसको पाउंड की थ्योरी का भी क्रिटिसिज्म हुआ है। देखो हर एक जुरिस्ट है, कोई भी चीज़ ले लीजिए, आप कोई भी लॉ ले लीजिए, कोई भी व्यक्ति ले लीजिए, हर एक व्यक्ति के प्रति दो राय होंगी। कुछ लोग कहेंगे ये आदमी अच्छा है, कुछ कहेंगे ये बुरा है। इसी तरीके से जुरिस्ट है उनकी थ्योरीज के भी अलग अलग मायने होंगे। कुछ कहेंगे कि उसकी जो थ्योरी है वो परफेक्ट थी, कुछ कहेंगे कि उसका क्रिटिसिज्म होना चाहिए। तो सबसे पहला जो क्रिटिसिज्म था रोस्को पाउंड की थ्योरी का कि इन्होंने जो एवोल्यूशन किया है उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग रखा, मिक्स कर दिया, होचपोच सा हो गया। जैसे इंडिविजुअल इंटरेस्ट में भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप आ गया और सोशल इंटरेस्ट थ्योरी में भी डोमेस्टिक रिलेशनशिप आ गया, तो कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन अराइज हो गया। फिर कह रहा है कि जो पहले के लॉ बने हुए उनमें उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया कि जो पुराने लॉ हैं उनको इंटरप्रेट करके आप नए लॉ को ला सकते हो, ये भी चीज़ उनकी गलत है। उन्होंने बैलेंस नहीं बिठाया, मेटाफोर का मतलब है जो उपमाएँ दी गई थी, अलग अलग एग्जाम्पल दिए थे, उनके बीच में बैलेंस स्थापित नहीं किया।
फिर इन्होंने ये बात कही कि जो लेजिस्लेशन जो कोर्ट जजमेंट की बात है उनके ऊपर उन्होंने ये बात कही कि जो कोर्ट जजमेंट है वो ज़्यादा मायने रखे जाते हैं, जुडिशल एक्टिविज्म को इन्होंने बढ़ावा दिया। थ्योरी लैक्स जनरल एप्लीकेशन, जो इनकी थ्योरी है कहीं ना कहीं जनरल एप्लीकेशन नहीं है, आम व्यक्ति पर इनकी जो थ्योरी है वो लागू नहीं की जा सकती। और यूटिलिटी ऑफ लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट, जो लिस्ट ऑफ इंटरेस्ट है, जो इंटरेस्ट इन्होंने बताए हैं उनको सही तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया, उनको सही तरह से लागू करवाने का तरीका नहीं अपनाया गया। तो ये रोस्को पाउंड की थ्योरी थी जिनका क्रिटिसिज्म भी हुआ है। अब हम बात करते हैं लियोन डगेट की। लियोन डगेट जो है, आज मैं ये आपको कंसेप्ट क्लियर ही करवा देती हूँ क्योंकि ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, ये भी मोस्टली जो है उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। जो लियोन डगेट थे वो फ्रेंच जूरिस्ट थे और इन्होंने साइंटिफिक प्रोग्रेस को महत्व दिया, यानी कि जो रोस्को पाउंड की सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी थी उन थ्योरी को इन्होंने काफ़ी हद तक आगे बढ़ाने का प्रयास किया। सोशल नीड के महत्व को बताया कि सामाजिक ज़रूरतों और सामाजिक रुचियों का महत्व होता है। ये बहुत ज़्यादा ऑगस्ट कॉम्टे और डर्किम की थ्योरी से प्रभावित थे। इन्होंने ये माना कि समाज में जब आप तालमेल बिठाना चाहते हो मनुष्य की ज़रूरतों के बीच में, तो कहीं ना कहीं सामाजिक सहयोग के थ्रू ही आप तालमेल बिठा सकते हो। इन्होंने ये माना कि कोई भी लेबर है, लेबर डिवीज़न ऑफ लेबर का काम कैसे, काम का जो बंटवारा है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी सोसाइटी को चलाने का। और जब आप किसी सोसाइटी को चलाते हो तो एन अनडिस्प्यूटेबल फैक्ट्स, आइडियोलॉजी, आदर्शों के प्रति, सामाजिक और जो धार्मिक परंपराएं हैं उनके प्रति जो है काफ़ी बदलाव की इन्होंने बात कही। इन्होंने ये माना कि जो लोग हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे पर डिपेंडेंट है और आपसी डिपेंडेंस ही इनकी थ्योरी का मेन सार है। तो इन्होंने ये माना कि जो लोग हैं एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे तभी ही वो एक सभ्य समाज का स्थापना कर सकते हैं। इयरिंग और डगेट की इयरिंग की तरह जो डगेट है, इन्होंने स्टेट की नोशन, स्टेट की जो दशा है उसको उन्होंने अलग रखा। इन्होंने माना कि जो स्टेट है वो क्या है, वो सिर्फ एक कमांड देने के लिए होती है और जो राइट्स होते हैं वो लोगों की हाइपोथेसिस, लोगों की अनुमान के हिसाब से होना चाहिए। जो समाज में जैसे लोगों की सोच होगी वैसे ही राइट्स होने चाहिए, यही बात डगेट ने कही है। इनके हिसाब से लॉ जो है वो कहीं ना कहीं समाज और प्रकृति पर एक दूसरे से डिपेंडेंट है, समाज और प्रकृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने सोशल सोसाइटी और नेचुरल लॉ दोनों को इकट्ठा समझा है। तो सोशोलॉजिकल स्कूल और नेचुरल लॉ स्कूल को इन्होंने एक जैसा ही माना है। इनकी जो थ्योरी थी वो सोशल सॉलिडरिटी थ्योरी थी। सॉलिडरिटी का मतलब होता है इकट्ठे ग्रुप में होना। एग्जाम में आ जाता है कि जो सोशल सॉलिडरिटी थ्योरी किसकी थी, तो वो डगेट की थी। डगेट ने ये बात कही कि जो किसी भी समाज में जो तथ्य होते हैं और जिसके आधार पर लॉ का निर्माण किया जाता है वो डेफिनेट होने चाहिए, वो फिक्स होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। हालांकि अगर एक आदमी की इच्छा है कि वो सोसाइटी में रहना चाहता है और सोसाइटी में कुछ काम करना चाहता है तो वो एक ग्रुप के थ्रू कर सकता है। सोशल लॉ और सॉलिडरिटी यानी कि एक ग्रुप में होकर वो कोई भी काम कर सकता है। सॉलिडरिटी जो है वो किसी भी व्यक्ति के कंडक्ट, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार का एक नियम नहीं है, ये तो एक ऐसा फैक्ट है, ये तो एक मूल फैक्ट है जो मनुष्य के जन्म के साथ ही पैदा होता है और समाज में रहता है। दूसरे शब्दों में सॉलिडरिटी जो है ना तो किसी प्रकार का दान है, ये नहीं कह सकते कि आपने किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचाने के लिए उसको कुछ सहायता कर दी तो वो दान है, और ना आप ये कह सकते कि आप ग्रुप में फ्रेटर्निटी भाईचारे के साथ कोई काम करें। तो इन्होंने कुछ मॉरल ड्यूटीज़ की बात कही है कि एक व्यक्ति के जब राइट होंगे तो दूसरे व्यक्ति की ड्यूटीज़ होगी, और डिवीज़न ऑफ पावर का डिस्कशन इन्होंने किया है। तो ये आप जो थ्योरी जो मैंने लिखी आप थोड़ा पढ़ सकते हो अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो तो। बाकी इनका मेन सारांश मैं करवा रही हूँ। इन्होंने ये बात कही कि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस की, मनुष्य जो है एक दूसरे पर डिपेंडेंट होता है, और सामाजिक जीवन में सामाजिक सच्चाई यही है कि अगर मनुष्य एक दूसरे से जुड़ा रहेगा तभी वो समाज में निर्माण कर सकता है। तो इनके अनुसार जो मनुष्य का व्यवहार है वो सोशल सॉलिडरिटी पर है। सॉलिडरिटी का मतलब ग्रुप के अंदर है, बिना ग्रुप के एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता। इट इज़ ए को इंसिडेंस ऑफ पर्पस एंड फैक्ट्स कि जो उद्देश्य है हमारे और जो तथ्य हैं उनके बीच में आप ये कह सकते हो कि ये एक विडंबना ही मान सकते हो, ये एक आप कोइंसिडेंस मान सकते हो कि अचानक ही ऐसा कोई तथ्य सामने आया कि अगर आप अलग अलग रहते हो तो आपको समाज में खुशी मिल सकती है, लेकिन अगर आप इकट्ठे रहते हो सॉलिडरिटी के साथ रहते हो तो आपको काफ़ी कुछ मिल सकता है। मैन मस्ट सो एक्ट दैट ही डज नथिंग, आदमी को ऐसे काम करने चाहिए और ऐसे लगना चाहिए कि उसने कुछ काम किया ही नहीं। अगर वो ऐसे सोचता है तो समाज में जो ग्रुप है, जो संगठन है जिसके ऊपर वो आधारित होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, तो उसी तरीके से वो समाज में सॉलिडरिटी को बढ़ावा दे सकते हैं। कि अगर लोग ये समझेंगे कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं तभी वो समाज में
एक ग्रुप को बढ़ावा दे सकते हैं, सोशल सॉलिडेरिटी को बढ़ावा दे सकते हैं। समाज में एकजुटता तभी आएगी जब लोग ये समझेंगे कि वो समाज से अलग नहीं है और वो समाज के बिना अधूरे हैं। अगर इंडियन पर्सपेक्टिव में हम देखें कि जो सॉलिडरिटी है या सोशियोलॉजिकल स्कूल है, वो इंडियन पर्सपेक्टिव में आप इसे कैसे लेके चलते हो, तो इसके रिगार्डिंग भी अभी 3-4 स्लाइड्स है, उसको हम डिस्कस करते हैं, फिर हमारा ये आज का सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस जो है वो कवर हो जाएगा। अगर हम इंडियन पर्सपेक्टिव में ये देखते हैं कि सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे इंडियन लॉ में कैसे प्रिवेल करता है, तो कुछ एक एग्जांपल के थ्रू जो है हमें इसे अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अकेला सिर्फ सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस को ही लेकर नहीं चलता, हमारा जो ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहीं ना कहीं एनालिटिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, लीगल पॉजिटिविज्म, फिलोसॉफिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, नेचुरल लॉ स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस और सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, रियलिस्टिक स्कूल ऑफ ज्यूरिसप्रूडेंस, सभी को लेकर चलता है। तो पार्ट 3 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का है, दैट डील्स विद फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन एंड पीपल ऑफ द कंट्री, हमारे देश के लोग या दूसरे देश के लोग जो हमारे देश में आते हैं, टूरिस्ट हैं, उनको भी कुछ फंडामेंटल मूलभूत अधिकार मिले हुए हैं। ये अधिकार पब्लिक और प्राइवेट इंटरेस्ट को बचाते हैं, पब्लिक का मतलब पूरे के पूरे समाज, और किसी व्यक्ति के पर्सनल इंटरेस्ट को बचाता है। और जो ये लिमिट्स हैं, जिसमें जो कुछ लिमिट्स दी गई हैं, जैसे हमारे आर्टिकल 19 के अंदर जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं आर्टिकल 19 के क्लोज 2 के अंदर, तो वो क्या है, लिमिट्स भी इन सभी पर डिपेंडेंट है। हालांकि जो रोस्को पाउंड्स की जो कंडीशंस हैं, जो थर्ड कंडीशन है जो हमने डिस्कस की थी, सोशल इंजीनियरिंग है, वो भी कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स के साथ जुड़ी हुई है और कहीं किसी कई मायने में वो उससे कन्फ्लिक्ट भी करती है। और अगर मान लो रोस्को पाउंड की जो सोशल इंजीनियरिंग थ्योरी है अगर उसको कन्फ्लिक्ट करती है, तो वो फंडामेंटल राइट्स को हम अल्ट्रा वायरस मानते हैं कि वो हमारे फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन करता है, तो ये चीज़ हम उसको समझते हैं। अगर इसके बाद अगर आप ये समझते हो कि सोशल ज्यूरिसप्रूडेंस को हम कैसे मान के चलेंगे, तो हमारे इंडिया में जो वी द पीपल ऑफ इंडिया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया का मतलब है कि हमारा जो देश है वो हमारे देशवासियों से बना हुआ है। अगर हमारे देशवासी ही नहीं होंगे तो हमारे देश का संविधान या हमारा देश नहीं रह सकता। तो ये जुडिशियल इंजीनियरिंग की बात करता है, सोशल इंजीनियरिंग की बात करता है कि समाज में ये जो जुडिशियल वर्ड है ये गलत प्रिंट हुआ है, या सोशल इंजीनियरिंग आएगा तो सोशल इंजीनियरिंग की बात करता है कि समाज जो है वो कहीं ना कहीं लोगों की एप्लीकेशन से ही तो बनता है, अगर लोग ही नहीं होंगे तो समाज कैसे बनेगा। तो ये वी द पीपल ऑफ इंडिया जो सोशल इंजीनियरिंग को बताता है। फिर कुछ एक लॉ है जो सोशल चेंजेस के साथ साथ सोसाइटी में आए, हिंदू पर्सनल लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट लागू होने से पहले क्या होता था, एक आदमी की 4-4, 5-5 वाइफ्स होती थी और वो उनकी उसकी मर्जी होती थी कि वो किसके साथ रहता है किसके साथ नहीं रहता। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट आने के बाद वो बदलाव हुआ। मुस्लिम पर्सनल लॉ में अभी भी ये रूल है कि एक आदमी 4 शादियाँ कर सकता है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में जो मेंटेनेंस के रिगार्डिंग जो साहबानों का जो केस आया था, उसने काफ़ी लैंडमार्क वो जजमेंट था, उसने काफ़ी कुछ बदल दिया। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, ये दोनों एक्ट्स ऐसे हैं जो वर्कर्स हैं, जो लेबरर्स हैं, उनको बढ़ावा देने, उनको जो राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लाए गए, तो ये सोसाइटी की नीड बन गई थी। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट, पहले क्या होता था, जो औरतें होती थी अगर वो जॉब करती थी तो उनको प्रेगनेंसी के टाइम पर कुछ नहीं मिलता था, उन्हें जॉब छोड़नी पड़ती थी। जब मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 आया तो समाज में एक बदलाव आया। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रथा जो चली हुई है हमारे समाज की, एक कुप्रथा है जो अभी भी चल रही है, चाहे कितने भी एक्ट उसके रिगार्डिंग पास कर दिए गए हों, डोरी प्रोहिबिशन एक्ट पास कर दिया गया, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से लाखों रुपया जो दहेज में दिया जाता है, और जब कहीं ना कहीं उनकी बेटी अपने परिवार में ससुराल में एडजस्ट नहीं होती तो दहेज का केस भी बनता है। डोरी प्रोहिबिशन एक्ट का इस्तेमाल तब होता है, इससे पहले कोई उसको समझता ही नहीं है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, अगर हमने बाज़ार से कोई वस्तु खरीदी और वो वस्तु जो है हमारी नीड्स के खिलाफ है, या हमें जो कुछ गलत चीज़ दे दी गई है, तो हम कंज्यूमर कोर्ट में जाके उसकी अगेंस्ट जो है केस फाइल कर सकते हैं। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में एक लैंडमार्क आप कह सकते हो स्टैट्यूट आया। उसके बाद बात करते हैं हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट की, एमसी मेहता का लैंडमार्क केस है, जो 3-4 केसेज हैं एमसी मेहता के, वो सारे एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, जिन्होंने काफ़ी हद तक एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट को लाने में हेल्प की। प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, हालांकि चाइल्ड मैरिज एक्ट जो प्रिवेल तो कर रहा है, तो क्या समाज में बच्चों की शादियाँ नहीं होती? अभी भी राजस्थान जैसे इलाकों में 5-5, 6-6 साल की बच्चियों की शादी हो जाती है। तो वो क्या है कि समाज में बदलाव के लिए
लॉ तो ला दिए गए लेकिन उनको तभी तभी लागू किया जा सकता है जब समाज उस चीज़ के लिए तैयार हो, समाज उस चीज़ को समझना चाहता हो। द मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019, जो ट्रिपल तलाक का मैटर था जो काफ़ी ज़्यादा इश्यू भी रहा उसके रिगार्डिंग, तो जो ट्रिपल तलाक का जो जजमेंट आया सायरा बानू का जो केस था उसमें काफ़ी लेडीज इन्वॉल्व हुई, ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया और मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019 को लाया गया। ये भी क्या है, सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस की तो देन है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा और यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जिसमें लेजिस फेयर की जो अप्रोच है जो फर्स्ट टाइम लाई गई थी और उसमें ये बात कही गई थी कि जो फंडामेंटल राइट्स को जब आप एनफोर्समेंट करवा रहे हो और जो आप सिस्टम ले रहे हो लागू करवाने के लिए वो बहुत बड़े लेवल पर आपको लागू करवाना पड़ेगा और लेजिस फेयर का कंसेप्ट यहाँ पर लेके आए। सरला मुदगल का जो केस है सोशियोलॉजिकल जुरिस्प्रूडेंस के रिगार्डिंग, इसमें क्या था सरला मुदगल के केस में कि एक हिंदू हस्बैंड था उसने अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गया और दूसरी शादी कर ली, तो इस सरला मुदगल के केस में और एक लिली थॉमस का केस और इन दोनों केसेस में ये हुआ था कि कोर्ट ने ये बात कही कि चाहे उसने मुस्लिम बन के दूसरी शादी कर ली हो लेकिन फिर भी वो जिम्मेवार होगा और वो बाइगेमी के लिए उसको जो प्रोसिक्यूशन उसका किया जा सकता है और वो मेंटेनेंस भी देगा। सायरा बानो यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस अभी जिसके रिगार्डिंग मैंने 2019 का एक्ट डिस्कशन किया, ये 2017 में ये केस आ गया था और इसमें ट्रिपल तलाक को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। इसके साथ साथ LGBT के रिगार्डिंग जो 2370 जो सेक्शन था IPC के अंदर उसको भी हटा दिया गया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। तो ये कहीं ना कहीं समाज की ज़रूरतें बनी, समाज की नीड्स बनी और सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस का हमारे ऊपर कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हो कि इंटरफेरेंस उसका रहा है, उसका हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस रहा है जिस वजह से हमने काफ़ी बदलाव किया और हमारे देश के अंदर आज जो भी लॉज पास हो रहे हैं, जो भी विकास हो रहा है लोगों के अंदर, वो सारा सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस पे हो रहा है। तो आज का हमारा सोशियोलॉजिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस का ये सेकंड लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको डाउट रहता है किसी चीज़ का तो आप क्या कर सकते हो, इस लेक्चर को बार बार रिपीट करके सुन सकते हो, पॉज करके अपने नोट्स बना सकते हो और UGC NET के हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारे 4 स्कूल अभी पूरे हुए हैं। अभी हमने फिलोसफिकल स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस एक ही लेक्चर में कंप्लीट करवाऊंगी मैं और रियलिस्टिक स्कूल ऑफ जुरिस्प्रूडेंस भी एक ही लेक्चर होगा, क्योंकि वो दोनों के दोनों स्कूल्स ऐसे हैं जिनके ऊपर लेंथी लेक्चर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, सब्जेक्टिव आते हैं, मोस्टली इन्हीं 4 स्कूल से आते हैं। लेकिन फिलोसफिकल स्कूल कहीं ना कहीं आप मान के चलो तो सोसाइटी से मिलके बना है, नेचुरल लॉ से मिलके बना है, तो उस पर ज़्यादा कुछ डिस्कशन नहीं है। सिर्फ उनके जो जुरिस्ट हैं उनके नाम आपको याद करने जरूरी है। इसी तरह से रियलिज्म में अमेरिकन रियलिज्म है और स्कैंडिनेवियन रियलिज्म है, जो उन दोनों को आपने अच्छे से कवर करना है। आई होप आपको मेरा आज का वीडियो, मेरा लेक्चर जो काफ़ी लेंथी हो गया है, आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप इसे बार बार रिपीट करते रहिए, बार बार रिपीट करके सुनते रहिए, क्योंकि रिपीट करेंगे तो और अच्छी तरह से रिविज़न हो जाएगी। और मैं हमेशा ही कहती हूँ कि रिविज़न इज़ द की टू सक्सेस, तो रिविज़न करते रहिए, रिविज़न करते रहिए और रिविज़न करते रहिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू और फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हो तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए और कि जैसे फर्दर जैसे ही वीडियो अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। कोरोना का इश्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, UGC के नेट के अभी तक एडमिट कार्ड कवर नहीं हुए हैं, अपलोड नहीं हुए हैं और कोरोना का इश्यू भी बढ़ रहा है, तो इस चक्कर में हो सकता है UGC के पेपर क्या पता पोस्टपोन हो जाए या उसी डेट में हो गए, अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं है। तो कोरोना के इस इश्यू में आप अपने अपने परिवारजनों, अपने फैमिली मेम्बर्स और अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए, अपनी खुद की इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने का प्रयास कीजिए, तुलसी अदरक की चाय पीजिए, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।